अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बागी सितारे। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम ख़ान और ये हमारा तीसरा सेगमेंट है, ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा कि ये अनदर एपिसोड का। और इसमें हमारी एपिसोड है ये 8 जून से लेके 14 जून तक, और मेरे साथ मौजूद हैं अजमल रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मरियम, क्या हाल आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक प्रोग्राम डिप कर गई हैं आप छुट्टी पे उसके लिए बहुत बहुत माजरत, मुझे अकेले में करना पड़ा। इंशाल्लाह अब आगे नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये जो है ना, अब आप बताएं कि हमारा सेजिटेरियस स्टार है, इनका वीक कैसा रहेगा? 8 जून सेजिटेरियन, आपके रुके हुए पैसे मिल जाएंगे, कारोबार में बहुत प्रॉफिट होगा। सबसे पहले बहुत अच्छी बात बता दी, और काम में अच्छी आमदनी होगी, छोटे छोटे सफर होंगे, मीठी मीठी चीजें खाएंगे, बेवरेज का कारोबार करने काफ़ी रूज में होगा, उनकी खूब सेल होगी, ससुराल की तरफ चक्कर लगेगा, वो आपको खूब वेलकम करेंगे और आपकी खातिर मुतारत बहुत करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाएगी। अच्छा। ससुराल से, ये तो ससुराल से अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है। 9, 10, 11 जून वो लोग जो सोशल कंसल्टेंट हैं, राइटर्स हैं, एंकर हैं, इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार के लोग हैं, इनके बहुत जय होगी, उनको बहुत फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। वो लोग जो सफ़र में जाएंगे, उनको रास्ते में कोई ऐसी गाड़ी ख़राब हो सकती है, ट्रैफिक स्टकअप हो सकती है, या कोई पंक्चर हो सकता है, उसकी वजह से काफ़ी इरिटेट होंगे लोग। वो लोग जिनका बोलने से पेशा है, मुतलका लोग जो बोलने से पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छा बोलेंगे, उनकी रेटिंग बहुत अच्छी होगी। बड़ी बहन के साथ किसी बात पर उलझेंगे, वो आपको बहुत खरी खरी सुनाएंगी, इस पर आप बहुत ग्लूमी हो जाएंगे और डिप्रेस रहेंगे। 12-13 वालदा की सेहत का बहुत ख्याल रखें, वो आपके साथ उलझेंगे, आप पर बहुत खफा होंगे, क्रॉस टॉक होगी जिस पर उनकी सेहत पर दबाव रहेगा, लिहाजा आपको उनके साथ कोई बहस नहीं करनी। वो लोग जो दिल के मरीज हैं, अवॉइड करें कोई भी आर्ग्यूमेंट फैमिली के साथ, इनको बहुत मुतात रहना होगा। एंजियोग्राफी, वो जो दिल के मरीज हैं उनको बहुत ख्याल करना है, कोई एंजियोग्राफी या इस तरह, क्योंकि चौथा घर है ना, फैमिली में भी आपके हार्ट पेशेंट है, उनके साथ भी थोड़ा सा एहतियात करें। सर कोई ना कोई स्टंट पढ़ने का, या जो वो लोग जिनको हार्ट का है, तो वो ये 2 दिन बहुत मुतात रहना होगा। वो अगर कोई मसला होगा तो उनकी सर्जरी भी रिकमेंड हो सकती है। 2 दिनों में ऑपरेशन ना करवाएं, इन 2 दिनों में कोई ऑपरेशन सर्जरी ना करें। अच्छा। सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, बैंक के मामला बहुत सीरियस होकर देखें। 14 तारीख को दोस्तों बच्चों के साथ किसी तफरी मकामात की सैर करने निकलेंगे, बहुत हुल्ला गुल्ला करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, दिन गुजरेगा आपका आगे। बस सेहत का अपना बहुत ख्याल रखें और ऑपरेशन ना करवाएं अगर आप वो जो लोग हार्ट के पेशेंट है और जरा बुजुर्ग के दौर में उनकी, हर एक बंदे की नहीं बात कर रहा, लेकिन सिर्फ हार्ट पेशेंट और जो ओल्ड एज में उनके लिए ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कैप्रिकॉर्न है, तो कैप्रिकॉर्न का बताइए। कैप्रिकॉर्न वैसे मौजें कर रहे हैं, 8 जून बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर काम करेंगे। लास्ट पीरियड थोड़ा सा टफ गुजरा है ना, वो तो थोड़ा सा मिला उनको टफ, पिछला हफ्ता सबके लिए टफ था। अच्छा। हाँ जी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर काम करेंगे, लोगों के साथ बड़ी हमदर्दी के साथ मिलेंगे, इनकी मदद करेंगे, खुले जहन से काम करेंगे, हर एक को बड़े खुशखलाकी से मिलकर उनकी मदद करेंगे, अपनी शख्सियत को उजागर करेंगे, सोशल वर्क करेंगे, जहनी तौर पर मजहबी होंगे, रूहानी चार्ज होंगे। 9, 10, 11 वो लोग जिनका दारोमदार ज़रई ज़मीन से है या ज़मीन से निकलने वाले कारोबार से है, उनके रुके हुए पैसे मिल जाएंगे, इनके कारोबार में बहुत पेशरफ्त होगी, खूब आर्डर मिलेंगे, नई इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, बच्चों के तलीम के बारे में बहुत कंसर्न होंगे, बाज़ार के खाने से परहेज करना होगा और नहीं तो आपका पेट ख़राब हो सकता है। दांतों के मसाइल तंग करेंगे, डेंटिस्ट के पास चक्कर लगेगा, कान में बहुत मैल की वजह से इरीटेट होकर बड का इस्तेमाल करके अपने कान को ज़ख्मी ना कीजिएगा, ये ज़रा ख्याल कीजिएगा। ENT का वो कान में ना, क्योंकि सैटर्न दूसरे घर में है ना, तो महल वगैरह तो ये कान का प्रॉब्लम आएगा, सही। तो इसलिए ना वो उस पर पंगा नहीं लेना, ठीक है। 12-13 गला ख़राब रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे COVID-19 का अटैक हो गया, पैनिक रहेंगे, भाइयों के साथ किसी बात पर बहुत झगड़ा होगा, हमसाए आपके साथ खफा होंगे, किसी काम पर ना रुकावट डालेंगे, ड्राइविंग बहुत मुतात होकर करनी है, बैंक के मामला सर चढ़ कर बोलेंगे, बैंक का चक्कर लगेगा। 14 तारीख को वालदा के साथ सैर व तफरी पर जाएंगे, गपशप रहेगी, कोई
प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में भी मसरूफ रहेंगे। अच्छा, ये वीक जो है सबका फाइनेंशियली बहुत अच्छा गुजर रहा है। मेरे ख्याल से अब जो बिजनेसेस हैं वो अपने फ्लो में आ रहे हैं, तो इसलिए फाइनेंशियली काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट हमारे पास एक्वेरियस। हाँ, एक्वेरियस फीफा इस पर बहुत कंसर्न को शो करती हैं, इसलिए मुझे अच्छी अच्छी बातें बतानी पड़ती हैं। तो इसलिए ना, गैर मुल्की सफ़र हो सकता है, लंबे दौरानिये का सफ़र आएगा, कोई आप पर प्रेशर डालेगा कि कोई गैर कानूनी काम के लिए आप इनकार कर देंगी, जिसका आपको बहुत फ़ायदा होगा और बाद में फ़ायदा होगा कि मैंने नहीं ये काम करना, तो उस पर फिर वो बाद में कहेंगी ये मैंने अच्छा किया। रिसर्च और इंटेलिजेंस के लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन होगा, नतायज उनके हक में होंगे। 9, 10, 11 जून शुगर के मरीज़ ज़रा मतात रहे, बहुत प्रेज़ करना होगा, बहुत मसरूफ़ दिन गुजारेंगे, ज़रा ज़हनी तौर पर सुस्त रहेंगे, अपनी शख्सियत पर काम करेंगे, काम डिले होंगे, ट्रैफिक, गाड़ी ख़राब या लंबे क्यू में इंतज़ार करना पड़ेगा, पानी बहुत पीना होगा। कंसल्टेंट हजरात को नौकरी में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। ख़वातीन, अपने खावंद के साथ उलझना नहीं, सब्र से काम लेना, लड़ाई को तूल नहीं देना। 12-13 बहुत सोच समझ कर खर्चे करने होंगे, रकम आएगी आते आते रुक जाएगी, पर्स या मोबाइल या गाड़ी चोरी हो सकती है। डॉक्टर हजरात बैंकर को फिनंशियल इशू आएंगे, डॉक्टर हजरात या बैंकर्स को मुंह पर या दांतों पर चोट लग सकती है, ड्राइविंग बहुत स्लो करना होगी, मुंह में छाले बन सकते हैं, डेंटिस्ट का चक्कर भी लग सकता है, ससुराल वालों से उलझ जाएंगे, आपके साथ वो ज़रा टफ़ टाइम देंगे। 14 बहन भाइयों के साथ खूब गपशप रहेगी, इनके साथ किसी तफरी मकामात पे जाएंगे। ये जो आपने एक्वेरियस का बताया, काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुताद रहना, मुताद हर तरह से, फाइनेंशियली, इमोशनली, फैमिली के साथ, अफीफा ने वैसे मुझे ना गोली मार देनी है। तो वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा उनको एहतियात करनी है हर तरफ से। नेक्स्ट मेरे पास स्पाइसेस। हाँ, ये भी थोड़ा सा दोस्तों और बुजुर्गों के साथ बहुत मुलाकातें रहेंगी, इनकी हेल्प करेंगे, इनकी दुआएँ लेंगे। तुलबा हज़रात आला तलीम के लिए सफ़र करेंगे, ज़हनी तौर पर रिलीजियस होंगे, सोशल वर्क करेंगे। 9, 10, 11 जून रिसर्च के लोगों के लिए अच्छे दिन होंगे, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा। इनके काम को सराहा जाएगा, ज़रूरी ज़मीन की खरीदो फरोख बड़ी अच्छी होगी, सफ़र करेंगे, ड्राइविंग में किसी जगह पर स्टकअप होकर बहुत डिप्रेस होंगे, इंतज़ार आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, जल्दबाजी में कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, सोच समझ कर दखल करें, कोई फ़ोन की रिकॉर्डिंग करके आपको ब्लैकमेल कर सकता है। 12-13 को ज़हनी तौर पर बहुत अपसेट रहेंगे, गुस्सा बहुत आएगा, हर एक के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, बहुत अग्रेसिव होकर रफ़ ज़बान इस्तेमाल करेंगे, अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लेंगे, कोई ट्रंकलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। आपने किचन में बहुत मुताद रहना है और कोई मच्छर वाले एरिए पे नहीं जाना, और 14 तारीख को अपनी तफरी पे पैसे खर्च करेंगे, अच्छा दिन होगा। चलें, ये और इनका जो जॉब वगैरह करते हैं उनके लिए भी हाँ बेहतर है, ओवरऑल अच्छा है। सिर्फ एक चीज़ का आखिर मैं कहूँगा कि COVID-19 के लिए ईजी ना लें, ये 2 महीने प्रिकॉशंस लें, पाकिस्तान के हॉरोस्कोप के मुताबिक ये अब हमारा थोड़ा सा टफ टाइम है, तो लिहाजा जितनी अपनी बेहतरी कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल सही है अजमल रहीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एपिसोड हमारी इस वीक की यहाँ पे एंड होती है, और व्यूअर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी एपिसोड देखने का, और अगर आपको पसंद आई है तो हमारी एपिसोड को लाइक करें, अपने कमेंट्स वगैरह हमारे साथ शेयर करें, और नेक्स्ट एपिसोड का वेट करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।